हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं अल्मोड़ा, जो कि देवी देवताओं के लिए और मंदिरों के लिए काफी फेमस है। पूरा अल्मोड़ा घुमाएंगे हम आपको। तो अभी हम जा रहे हैं ये घाट वाले रूट से, जो पिथौरागढ़ रूट में पड़ता है घाट। तो पहले हमारा प्लान था पिथौरागढ़ जाने का, तो सडनली प्लान चेंज हुआ हमारा। तो हमने सोचा आज मंदिरों के दर्शन कराते हैं आपको और अल्मोड़ा घुमाएंगे पूरा, जो कि काफी फेमस जगह है। अल्मोड़ा काफी फेमस जगह है। तो अभी निखिल ड्राइव कर रहे हैं, ये बहुत मजा आ रहा है। इस जगह से 15 किलोमीटर है जागेश्वर। दनिया से थोड़ा आगे पूरी ग्रीनरी आप देख सकते हैं, यहाँ की काफी सुंदर व्यू। वाव, ये आप पेड़ पौधे देख सकते हैं, काफी अमेजिंग यार, बहुत ही मजा आ गया है। गाइस, ये जागेश्वर पहुंच चुके हैं अभी हम। ये देख सकते हैं काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। भाई मजा आ गया यार, ये देख सकते हैं मंदिर, काफी मान्यता है इस मंदिर की, जो पूरी कलाकारी की है ये पत्थरों पे। देख सकते हैं आप, पूरी पत्थरों पे कलाकारी करके ये मंदिर बनाए हैं, बनाने लगी हैं। देख सकते हैं आप, मंदिर के जाते समय आप प्रसाद लेके जाइए। और ये है मंदिर के एंट्रेंस गेट, यहाँ पे देख सकते हैं गेट क्यों बंद है यार निक से, यहाँ पे पता करना एक बार। ये यहाँ पे दुकानें हैं, आप कुछ भी माला वाला खरीदने हैं आपको, ये देख सकते हैं। तीन लोग हैं, दो प्रसाद ले लो, दो ले लो। कौन सा वाला है, कौन कौन सी है टोकरियाँ? ये सिंपल एक है, सिंपल आपका प्रचार करता है। अच्छा अच्छा, साइड आ जाओ भाई, अच्छा अच्छा। ये अभी प्रसाद खरीद लिया है यहाँ से, 151 की टोकरी। अभी आप लोग दर्शन कर लीजिए, उसके बाद जो प्रसाद बचेगा वो हम कैरी बैग में कर देंगे। हाँ, ये बात फिर वापस आएंगे, सामान मैं करके आपको दे देंगे। देख सकते हैं दुकानें लगी हैं सारी यहाँ पे प्रसाद वसाद के लिए। यहाँ से आप प्रसाद लेके फिर मंदिर में एंट्री करेंगे। अभी तो यहाँ से खुला हुआ नहीं है, बैक साइड से खुला है गेट, आगे से ना, ये आगे साइड से गेट बना हुआ है। ये सारी दुकानें लगी हैं, देख सकते हैं आप। दादी पहले तो एंट्री नहीं होती थी ना, आजकल ही हो रही ना ये? अच्छा, पूरा आधार नंबर चेक किया जा रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद ही एंट्री हो रही है। ये होती है आपकी एंट्री मंदिर से अंदर। यहाँ पे ये जूते चप्पल का स्टैंड बनाया हुआ है, यहाँ पे आपके जूते चप्पल उतारने हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे पुजारी जी से मुलाकात हो गई है, यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, कब स्थापना हुई थी मंदिर की और कब कब यहाँ श्रद्धालु आते हैं, कब कब यहाँ मेला लगता है और ऐसा कुछ यहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे यहाँ पे। जय भोलेनाथ, जय जय भगवान शंभु, मंगलम ब्रजवध्वज, मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहर। ये पूरा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर 125 मंदिर का समूह है। अच्छा, उसमें से 108 शिवलिंग है। अच्छा, 108 शिवलिंग, जो ये छोटे छोटे मंदिर बने हैं सारे, ये 108 हैं और टोटल 125 हैं, तो बाकी अन्य देवी देवताओं के। अच्छा, और मुख्य मंदिर 5 हैं। अच्छा, मुख्य मंदिर 5 कौन कौन से हैं? जैसे ज्योतिर्लिंग जागेश्वर भगवान जी का है। अच्छा, और महामृत्युंजय भगवान जी का है। हाँ, और महिषासुर मर्दिनी पार्वती माता जी का है। हाँ, और केदारनाथ जी हैं। हाँ, और बड़ू भैरव। अच्छा, हाँ, 5 मंदिर मुख्य हैं। और
उस समय लोगों की मनोकामना पूर्ण होती थी, लोग बाग मंदिर बनाते थे। अच्छा। जैसे आजकल कोई घंटी चढ़ाता है, कोई पूजन कराता है, और कोई घी चढ़ाता है, तो उस समय लोगों की मनोकामना पूर्ण होती थी, लोग बाग मंदिर बनाते थे। अच्छा। तो बनते बनते 125 बन गए। हाँ, यहाँ कुछ ऐसा है कि जो मंदिर का निर्माण है, बताता की आज से 1300 वर्षों पूर्व पुनः निर्माण हुआ। उससे पहले काष्ठ निर्मित था। अच्छा अच्छा। पांडव ने काष्ठ का बनाया था, राजा सालिवान ने पत्थरों का निर्माण करा। अच्छा, पत्थरों का निर्माण। हाँ। बताते हैं कि यहाँ पर अष्टम ज्योतिर्लिंग है, नागेशम दारुका वने। दारुक मीन्स देवदार का पेड़ है। अच्छा। वने मीन्स जंगल हो गया। हाँ। नागेशम दारुका वने। अच्छा। और महामृत्युंजय जी का मंदिर है। हाँ। मतलब जागृत देह होने के नाते यहाँ का नाम जागेश्वर पड़ा। अच्छा। पहले भगवान से जो भी कुछ बोलता था तो उसको तुरंत फल मिलता था। जब 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य जी आए यहाँ पर, आने वाले कलयुग में भगवान से जो भी कुछ मांग रहा था तुरंत उसको अच्छा बुरा फल मिल रहा है। बताते हैं कि उन्होंने मंत्र उच्चारण द्वारा शक्ति को 8 फीट नीचे क्लित कर दिया, मंत्र उच्चारण द्वारा। अच्छा। अभी भी जो भगवान से अपनी श्रद्धा से मन से भगवान से प्रार्थना करता है उसको तुरंत फल मिलता है। यहाँ पर सावन में 1 महीने का मेला लगता है। अच्छा, सावन में लगता है वो मेला। शिवरात्रि को लगता है। अच्छा, शिवरात्रि। श्रावण हो गया, कार्तिक के महीने में हो गया, माघ के महीने में हो गया, वैशाख के महीने में हो गया, विशेष यहाँ शिवरात्रि। सही सही टाइम कौन सा रहता है दर्शन के लिए यहाँ पे? दर्शन के लिए तो आपको वैसे शिव धाम हुआ है। वैसे तो कभी भी आ सकते हैं। कुछ विशेष कार्तिक जो भगवान शिव जी के होते हैं ना, जैसे कार्तिक के महीने में हो गया, माघ के महीने में हो गया, सावन के महीने में हो गया, वैशाख के महीने में हो गया, विशेष शिवार्चन होता है। जैसे मिट्टी के होते हैं सर्व मनोकामना के लिए, साठी के चावल के संतान प्राप्ति के। अभी भी यहाँ पे यज्ञ चल रहा था, किस चीज का था? महामृत्युंजय यज्ञ चल रहा है। लोग महामृत्युंजय यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, दोष पूजन कराते हैं। हाँ, हाँ। नवग्रह पूजन कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। अच्छा। तो उसका हवन इत्यादि करवाते हैं। चलो, बढ़िया बढ़िया। और यहाँ के जो यहाँ से जैसा मंदिर यहाँ का आकार है, वैसे चंपावत में भी हमने बालेश्वर गए थे हम। अच्छा, अच्छा, तो सेम मूर्तियाँ बनी थी, सेम पत्थरों की नक्काशी है ना, जैसे 7वीं 8वीं शताब्दी की है ना, उसमें मनोकामना पूरी मंदिर बनते बनते 25 बन गए। तो सारे पत्थरों के मंदिर है जितने भी स्वर आएंगे जिसमें। जी जी हाँ। यहाँ पर सारे मंदिर है, नीलकंठ जी का मंदिर है, महाकाल जी का मंदिर है, बालेश्वर है, तांडेश्वर है, सारे मंदिर है। 8 मंदिरों का ग्रुप है ना, टोटल 125 में। तो 8 शिवलिंग है, उसमें 5 मंदिर जो है मीन है। अच्छा। जैसे तो यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि पुजारी जी मतलब आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर मंदिरों पे आपको पुजारी जी मिल जाएंगे। हर मंदिर में पुजारी होंगे। हर मंदिर 108 मंदिरों 5 मंदिर मेन है। हाँ। ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी है। हाँ, बताया। उसके बाद ये क्या कहते हैं, महामृत्युंजय हो गए, और पुष्टि माँ हो गई पीछे, और तीसरे चौथे नंबर हनुमान जी हो गए, और केदारनाथ जी पीछे से है। अच्छा। और 108 मंदिरों में पूरा समूह है मंदिरों का। एक कमल कुंड है। अच्छा। ये कमल कमल अच्छा ये कमल कुंड है। जी हाँ। जी देख सकते हैं आप, कमल कुंड है, यहाँ पे कमल खिलते हैं। बताते हैं ये पूजा में प्रयोग में लेते हैं। अच्छा। ये कमल खिला भी हुआ भी है। अच्छा, कौन सा? ये यहाँ पर देखिए, व्हाइट कलर का। हाँ, यहाँ पे व्हाइट कमल ये खिला भी है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, व्हाइट कमल खिला भी है यहाँ पे पानी में। तो ये है पूरा जागेश्वर का मंदिर, और पूरा व्यू देख सकते हैं आप। ये तो ये जो देवदार के पेड़ बता रहे हैं, यहाँ पर राम और सीता का इंद्रस्वरूप दिया गया है। राम और सीता का इंद्रस्वरूप दिया गया है यहाँ पे बता रहे हैं। काफी बढ़िया जगह है ये। यहाँ पे जटागंगा है, जो पीछे आपको मैं बता रहा था, जो नदी जाती है। ये अच्छा अच्छा ये शिव की जटाओं से बता रहे हैं कि ये गंगा निकलती है यहाँ से, जो मंदिर के नीचे से जो पानी जाता है, तो ये शिव की जटाओं से निकलती है गंगा। तो काफी कुछ अच्छा यहाँ के बारे में बता दिया हमें पुजारी जी ने। जल्दी भेजो तुम हाल को। टीका लगाइए लीजिए। ये जो मुख्य मंदिर है यहाँ का, श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर,
कि इसके अंदर मुख्य मंदिर है जो अभी दिखाया हमने आपको, और मैं यहाँ 108 मंदिरों की स्थापना है इस जगह में। तो मैं आपको सारे मंदिर जो दिखा रहा हूँ, ये सारे 108 मंदिर हैं टोटल, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, ये सारे मंदिर बने हुए हैं, काफी अच्छा व्यू आ जाता है। देख सकते हैं आप, काफी नक्काशी की गई है इन पत्थरों में पुराने टाइम पे। देखिए ये पूरे मंदिर जो आपको छोटे छोटे ये मंदिर भी दिखेंगे, ये तो ये भी 108 मंदिरों में से गिने जाएंगे। तो काफी फेमस है मंदिर जागेश्वर धाम। ये देखिए, ये अभी यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, देख सकते हैं ये सारे मंदिरों की स्थापना। सारे आप गिनोगे तो 108 मंदिर यहाँ पे मिलेंगे आपको। अब हम आपको लेके जाएंगे, ये है केदारनाथ मंदिर नाम से, केदारनाथ मंदिर है ये जो मंदिर है, तो ये है केदारनाथ मंदिर। तो यहाँ ऐसी शिवलिंग केदारनाथ मंदिर में भी है, सेम शिवलिंग ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सेम शिवलिंग आपको केदारनाथ मंदिर, सेम शिवलिंग एक ऐसा ही रुद्रप्रयाग में जो हमारा धाम है केदारनाथ, उसमें मिल जाएगा। तो अब आगे नेक्स्ट मंदिर में चलेंगे हम, कौन सा वाला देख सकते हैं, ऐसे काफी मंदिर मिल जाएंगे आपको, अन्नपूर्णा माता। और ये है एक मंदिर नवदुर्गा का, नवदुर्गा माता का मंदिर है ये, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये चोटी पे देख सकते हैं आप, दो शेर की मूर्तियां हैं विराजमान। और ये अंदर का मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अंदर का व्यू मंदिर का, जय हो उत्तरायण। काफी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं अभी, तो ये हम मंदिर दर्शन करके आ गए हैं, अभी वापसी कर रहे हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं जागेश्वर का मार्केट है, ये पुरातात्विक संग्रहालय जागेश्वर का एक म्यूजियम है यहाँ पे, म्यूजियम ओपन है, इंटर कर लिया हमने म्यूजियम, यहाँ पे जूते वूते खोलने का है। और यहाँ पे एंट्री होगी, एंट्री कर दो तो कोविड के उससे ये यहाँ पे सही बना दिया, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, अभी जहाँ भी जाएं तो हमें एंट्री पहले एंट्री करनी हो रही है। पहले भी हम आए हैं यहाँ पे म्यूजियम पे, देखिए काफी बढ़िया व्यू है यहाँ का। दोस्तों यहाँ तक था अभी का हमारा ब्लॉग, अभी हमने अंदर म्यूजियम में गए थे, काफी मूर्तियां लगी हैं यहाँ काफी पुराने टाइम की, तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो आप यहाँ आओ तो कभी देख सकते हो, वैसे तो कैमरा अलाउ नहीं है अंदर। तो निकलते हैं यहाँ से, तो अभी तक का ये था हमारा ब्लॉग। तो दोस्तों देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, नमस्कार।